4 AM एंड जलोरी पास पे हम पता नहीं क्या करने आए। द आइडिया इज़ कि हम सनराइज़ देख सकें रघुपुर से। शौक बढ़े हैं, इसलिए थोड़ा रिस्क हमने सोचा कि 3 लोगों को दिलाते हैं। 1 बंदा नॉट सेफ, 3 लोग सेफ, तो ये हमारा आइडिया था। अभी जलोरी पास बिल्कुल सुनसान, आसमान भी सुनसान एंड रास्ता ट्रेल तो आपको दिखा नहीं सकते बिकॉज इट्स गोना बी टू डार्क। बट द मेन चेरी ऑन टॉप इज़ सनराइज़, तो उसके लिए हम निकलेंगे। वो हम एंड रूट देखेंगे। टेम्परेचर है 6 डिग्री। जो बेस्ट व्यू पहाड़ों का होता है ना, वो या तो बहुत टॉप से होता है या फिर आप बन जाओ चील, तो दूसरा तो आप बन नहीं सकते। तो इसलिए टाइम से अर्ली मॉर्निंग जो ये गोल्डन आवर होता है ना, इट्स फिनोमिनल। सर्टेन अमाउंट ऑफ आई डोंट नो डिवाइन पावर व्हिच गार्ड्स द एंटायर रेंजेस एंड द फर्स्ट लाइट व्हिच इज़ लाइक पेस्टल येलो फॉल्स अपॉन यू एंड दिस एंटायर फीलिंग जो आती है ना, ये पूरा पैकेज वो जब चढ़ाई करते हैं हम, तब लगता है कि यार क्या है ये, ठंड लग रही है, पसीने आ रहे हैं, जंगल के अंदर रास्ता नहीं मिल रहा होता है। बट देन ओवर हेयर व्हेन यू स्टैंड एंड यू सी दिस एंटायर 360 डिग्री व्यू, इट मेक्स ऑल सेंस, यू नो। एंड रघुपुर फोर्ट इट इज़ द फर्स्ट टाइम। मैं रघुपुर बहुत बार आया हूँ, बट सनराइज़ के वक्त बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर कभी नहीं आया हूँ। So pretty happy, peaceful and next level view here. ऑल गुड। तो अब हम रघुपुर फोर्ट चलेंगे एंड वहाँ पे थोड़ा चिल करेंगे। टाइम बहुत है आज बिकॉज वी स्टार्टेड एट 3:45 AM इन द मॉर्निंग। जरूरी पे गाड़ी लगा दी थी हमने एट 4:30ish एंड फ्रॉम 4:30 टिल ऑलमोस्ट 6 वी वॉकड इन द डार्क विद द टॉर्चेस ऑल द वे टिल टॉप। भालू का डर था हमें, सो वी आर मेकिंग साउंड, वी आर मेकिंग नॉइजेस एंड अदर थिंग्स कि भाई भालू को आवाज़ से हम थोड़ा दूर रखें। इस एरिया में पिछले 3 दिन पहले ही कुछ भालू के कब्ज़ लोगों ने देखे, तो हमें बहुत डर था। बट वो डर वॉज बीइंग कम्प्लीटली ओवरटेकन विद द थॉट दैट द व्यू दैट वी गोना गेट ऑन टॉप। सो एंड दीज पीपल, ये पहली बार इस टाइप का एक्सपीरियंस किया एंड सीइंग दैट एंटायर व्हाट दे कॉल्ड हैप्पीनेस एक्सपेरिमेंट विद देम, यू नो। कि पहले लोगों को लगता है कि यार ऊपर क्या दिखेगा, बट व्हेन पीपल सी सच काइंड ऑफ व्यूज़ दे रियलाइज दैट व्हाट नेचर इज़ ऑल अबाउट, व्हाट माउंटेन्स ऑल अबाउट। सो ये फीलिंग खुद से ज़्यादा दूसरों में देखने मज़ा आता है। जैसे आप उसको कुछ अच्छा बना खिलाते हैं एंड आपको लगता है भाई मेरा पेट भर गया तूने खाया, तो इनने व्यू देख लिया, मुस्कुराहट यहाँ पे। तो रघुपुर फोर्ट का जो सिग्निफिकेंस था वो अभी तो एक टूरिस्टिक स्पॉट बन के रह गया है, बट इतिहास के पन्नों में ये जो जगह है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है बिकॉज एज दिस इज़ ऑन टॉप ऑफ जलोरी पास। तो यहाँ पे आपका गैरिसन यूनिट हुआ करते थे। सो फॉर द एंटायर वैली, बंजार वैली, वो बिल्कुल ही क्लोज हुआ करता था। तो इतने हाइट में बैठ के लोग बैठे होंगे ऐसे करके और देखते होंगे हाँ भाई नीचे से बंदे आ रहे हैं, और फिर आवाज़ लगाते थे। आवाज़ भी पहले के टाइम पे वॉकी टॉकीज़ वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो यहाँ से आवाज़ बजती थी बगुले में, फिर यहाँ की आवाज़ नीचे गाँव में, गाँव करते 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 मेन जो जगह होती है वहाँ पे आवाज़ पहुँचती होती थी। हमारा रघुपुर का छोटा सा जो ट्रिप है यहीं पे ख़त्म होता है। कैन यू इमेजिन, हम नीचे जा रहे हैं एट 7:30। गुड थिंग दैट वी स्टार्टेड अ ट्रैक अर्ली एंड गुड व्यू, गुड एक्सपीरियंस एंड मस्ट विजिट प्लेस। सलोसर लेक से मुझे रघुपुर फोर्ट का जो व्यू है वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, एंड ये छोटा भी है तो बिल्कुल फीजेबल है, ज़रूर ट्राई कीजिए। बट ये वाला जो ट्राई है सुबह सुबह, ये तो भाई अलग गेम है, ये गेम आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि जो व्यूज़ आपको मिलेंगे वो आपको नॉर्मल डे टाइम पर नहीं मिलेंगे बॉस। टिल देन आदियोस, सी या। कोशिश करूँगा जिबी में अगर 1-2 दिन और रहा तो कुछ और भी हम कंटेंट बनाएंगे, मेमोरीज बनाएंगे। सेंज भी जाने का प्लान है, देखते हैं। आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। आदियोस गाइस, बाय बाय। अच्छा, ये ड्रोन शॉट देखते हुए जाओ, बढ़िया ड्रोन शॉट।